से कुगन नंदी और भृंगी भी हैं, और इसी प्रकार से ये भी गण ही हो सकते हैं, जैसे भैरव भी उनके गण हैं, शिव जी के माता के भी हैं, हनुमान जी हैं, तो ऐसे ये भी मतलब द्वारपाल हैं। तो किसी समय जो है यहाँ पे के ये बताते कहानी, जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि जब कोई मरता था इस क्षेत्र में उसको यहाँ लाया जाता था, उस समय के लिए जो वो जीवित होता था। अच्छा, ये शिव जी हैं, ये महाकाल के रूप में बैठे। अच्छा, जो वहाँ पे हैं इन्हीं के सामने यहाँ पे रखते थे, एक शिला थी, यहाँ से बताते कि यहाँ से नीचे सुरंग है। अच्छा, हाँ, तो कुछ समय के लिए बोलो वो जीवित होता था और उसको जो है दही और चावल उसको खिलाया जाता था। अच्छा, और वो बताता था कि भाई मैं इस कारण से मरा हूँ, ये ऐसा है। तो कोई एक महिला थी, उसका एक ही लड़का था, तो जब यहाँ लाया वो, जैसे वो जीवित हुआ वो चुपके से महिला आई, तो भाई महिलाएं तो नहीं जाती सौ में, वो महिला आई और वो अपने बच्चे पे की चिपक गई। उसने तो बोला कि भाई मेरा इतना ही समय था और मेरा अब जाने का टाइम है, तो उसको पता नहीं लगा, जैसे उसकी माँ ने उसको पकड़ा वैसे वो तो ख़त्म हो गया, फिर जीवित हुआ ही नहीं लाते थे, फिर बाद में यहाँ पर बंद कर दिया। तो 60-70 साल पहले भी लोग लाते थे यहाँ आदमी को, तो जिंदा तो नहीं होता था, फिर भी उन्होंने यहाँ लाने लाना था, फिर गांव के लोगों ने बोला भाई यहाँ पे बंद कर दो। अच्छा, ये 2007 में खुदाई हुई है इधर, 2007 में जी, ये लगाओ यहाँ पे ये शिवलिंग ही शिवलिंग है, ये सब निकले हैं। हाँ, विष्णु भगवान की मूर्ति थी वो स्टोर में रख दी गई है। अच्छा, ये सब शिला, ये सारी शिला है, ये सब खुदाई में निकलता रह रहा है। ये कोई कुंड होंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उन्होंने। तो ये सब पांडवों ने बनाया हुआ है मतलब? हाँ, पांडवों भी, और मैं बता नहीं रहा कि यहाँ जब युगों युगों के हैं तो कल्पों की चीज़ें हैं। हाँ हाँ, अभी भी जी जो है इतनी हाइट में रही है वो, ये जो डिब्बा है इसके बाहर देखो आप, जैसे जहाँ पे वो सफेद मकान है बनाया, हाँ देखो यमुना जी के पत्थर, तो ये जो मतलब जैसे हरिद्वार में है हर की पेड़ी वगैरह, वैसे है ये भी, मतलब देवनगर भी ऐसे था। अच्छा, जैसे जैसे योग बीतते गए वैसे वैसे जो है यमुना जी नीचे चले गए। यहाँ बताते यहाँ पे बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर के निकट जो भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था, गणेश जी का भी जन्म हुआ, वो सब क्षेत्र इधर ही है, कहीं बाहर थोड़ी नहीं, तो मतलब बहुत विशेष पौराणिक देवनगर है। और यहाँ पे जो वरदान मांगते हैं लोग, वो भंडारा करते हैं शिवरात्रि में, यहाँ कम से कम इस बार जो है 14-15 महिलाएँ आ रही थी, 60 साल तक की औरतों के भी जो है बच्चे हुए, किसी ने जो है बोला था लड़का लड़कियाँ लड़का होना चाहिए था, तो बेचारी रात भर बैठे पड़ते हैं, तो तपस्या में 4 बजे यहाँ से जाते तो उसको बरदान मिल जाता। अभी शिवरात्रि में? हाँ, अभी शिवरात्रि में 13-14 महिलाएँ आ रही। अच्छा अच्छा, और कोई खाली नहीं जाता है, बहुत कम होगा जो ऐसा लौटा होगा,